बीजेपी ने 2003 में, 2008 में और 2013 के विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे को अपना चेहरा बनाया था। 2013 में बीजेपी ने 163 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 21 सीटें आई थी और वसुंधरा राजे सिंधिया उस वक्त मुख्यमंत्री बनी थी। और फिर देखिए 2008 में क्या हुआ। 2008 में बीजेपी को कम सीटें मिली, 78 सीटें, और कांग्रेस को 96 सीटें मिली और वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। फिर 2003 में बीजेपी 120 सीटें, कांग्रेस 56 सीटें, 2003 में फिर से मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे सिंधिया। उससे पहले तो 2003 की बात की, 120 सीटें बीजेपी ने जीती, 2003 में वो मुख्यमंत्री बनी। उपचुनाव में 17 उपचुनाव सभी में 17 आपको बता दें कि अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें हार का सामना करना पड़ा। तो उपचुनावों में हार का सामना वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में ही उपचुनाव लड़ा गया था और 2017 में ये उपचुनाव हुए थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।